हेलो, आप सभी कैसे हो? अच्छे होंगे, बहुत बहुत अच्छे होंगे। ठंड के वजह से मैं तो अच्छी नहीं हूँ। बहुत बहुत ठंड, हम लोग के यहाँ पे बहुत ठंड लग रहा है। और यहाँ पे देखो, मैं ना दोपहर के टाइम नहा धो के सारा काम करने के बाद मैं एक काम नहीं की हूँ, पूजा नहीं दी हूँ। और मेरा पूजा देने में टाइम लगेगा, तो आज ना रिव पूजा करने वाले है। और मैं जल्दी जल्दी आ गई हूँ क्योंकि बहुत लोग का खाना बनाना है। तो मैं पहले नहा धो के सुबह का नाश्ता करके फिर आ गई हूँ। और अभी मैं मछली धो के अच्छे से रख दूँगी। और साथ देख सकते हो, यहाँ पे ना पूरा मछली को अच्छे से मैं धो के ही रख दी हूँ। और उसके बाद यहाँ पे मैं दाल बनाऊँगी। और क्या क्या बनाऊँगी आप लोग को दिखाऊँगी, इसकी मत कीजिएगा, पूरा ज़रूर देखिए। और ये और दाल आज है, रिव्यू भी हेल्प कर रही है आप लोगों को दिखाने वाली। पत्ता गोभी, जैसे कि टमाटर, जितना भी मेरे को कुछ काटना था मैं पहले काट के मैं आ गई हूँ। मेरे लेट हो रही थी, मैं यहाँ पे बस जल्दी मछली भूनना है, दाल बनाना है, तो इसलिए मैं घर आ गई हूँ तैयारी करने। और रिव्यू जल्दी मम्मी थोड़ा सा हेल्प कर दी, तो रिव्यू कट करने बैठ गए थे। और यहाँ देखो, मैं तीनों चूल्हा, जैसे कि दो गैस का चूल्हा है ना, दोनों में चढ़ा दिया। और ये चूल्हा, इंडक्शन चूल्हा में भी मैं चढ़ा दी हूँ। और यहाँ पे दाल मैंने तड़का लगा दूँगी। और ये कढ़ाई ना हम लोग को यूज नहीं होता है, पता नहीं कैसे काला काला टेक्स्चर पड़ गया। और यहाँ पे दाल मैं बना दूँगी। पहले मेरे को बहुत डर लग रहा था कि इतना सारा कैसे बनाऊँ और मेरे पास पूरी बर्तन है क्या नहीं, क्योंकि तो पूरी बर्तन है और पूरा मैं तैयारी भी अच्छे से कर भी ली हूँ। और ये देखो, मछली मैं अच्छे से अभी भून लूँगी धीरे धीरे। और यहाँ जो गैस चूल्हा, इसमें मैं बड़ा वाला जो गैस रहता है ना, इसमें मैं दाल अभी बना लूँगी, तड़का लगा दूँगी। और सारा कुछ तैयारी कर रही हूँ, लेकिन अंदर से ऐसा लग रहा है कुछ गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि इतना लोग आ रही है और ऐसा ना बोले कि ये ऐसा हुआ वैसा हुआ, डर लग रहा है बहुत ज़्यादा। और मैं हार नहीं मानी, मतलब पहले की तो मेरा आदत बहुत ही था। और देखो, मेरा हाथ ना दर्द करता है, बाएं हाथ तो उठाने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी। तो बस यही डर है कि मेरा हाथ लेके कि भारी चीज उठाने में दिक्कत होती है। छोटा कढ़ाई नहीं, बहुत बड़ा ही है। दाल लगा दिया तड़का, छोटा कढ़ाई इसके पास ये कितना छोटा लग रहा है। पूजा कर रही है और मैं इधर देख सकते हो खाना बना रही हूँ। ये मछली बनाया और पत्ता गोभी बनाया, रसा बोलते हैं, मछली रसा। और ये पत्ता गोभी, ये मछली और ये दाल बन चुके हैं। देखो, दाल बन गया और चावल मैं यहाँ पे चढ़ा दिया, गैस में भी चढ़ा दूंगी। मैं सोच रही हूँ इतना सारा, 2 किलो से ऊपर है चावल। अगर बन रहा है सब्जी, देखो मछली देखियो कैसा बनेगा, टेस्टी बनेगा ना, खुशबू तो बहुत अच्छा आ रही है। आप लोग बताइए। ये देखो, रिव कर रही पूजा, हस्बैंड जी देखो और उनसे तैयार होके आ रही है। तैयार हो गए? आ रहे तैयार होके। और अभी मेहमान लोग को लेने जाने वाले हैं। और यहाँ बन गए चावल, दाल बन चुके हैं, ये पत्ता गोभी, ये मछली, दिखा रही हूँ आप लोग को, ये देखो मछली। चावल खिलाएंगे तो टूट जाएगा। भला करे भगवान दीव को पूरा सुख पूरा
सभी आ गया और मैं खाना रेडी कर रही हूँ। जल्दी जल्दी उन लोग का आया और काफ़ी लेट हो गया, और इन लोग सुबह मतलब आया तो खाना ना नहीं खाया, और आने के बाद मैंने लेट नहीं की हूँ, बस थोड़ा सा चाय दी हूँ। उन लोग को सर दर्द लग रहा है बहुत ज़्यादा, तो मैं चाय दे रही हूँ, और उन लोग नहाने गए, बस नहाते नहाते मैं जल्दी खाना दे रही हूँ। इन लोग जल्दी जाने वाले हैं, इन लोग को उस गाँव से आया और इसलिए मैं जल्दी जल्दी खाना दे दी हूँ, काफ़ी लेट हो गया। और ये है मेरा मम्मी, देखो इन लोग सबको लेट हो गया, और बोली तो नहीं हूँ कुछ भी, मेरे को तो बहुत डर लग रही थी कि खाना कैसा हुआ करके, इतना लोग के खाना बनाई हूँ, लेकिन सभी ने बहुत तारीफ किया कि अच्छा हुआ खाना, और मैं बहुत खुश हूँ कि चलो अच्छा हुआ बोला है, तो मेरे को भी लगा उतना भी ख़राब नहीं हूँ, बहुत ही अच्छा हुआ। और चलिए सब खाना वाना खा लिया, आप लोग भी खा लीजिएगा ज़रूर, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स क्या मैं सारा कुछ अच्छे से तैयारी किया, सब ठीक ठाक है, देखने को आपको कैसा लगा, क्या अच्छा लगा। और यहाँ पर देखो मैं, मेरा मम्मी और मैं खाना खा रही हूँ। मेरा YouTube फैमिली, आप सभी जल्दी से आ जाइए खाना खाने, क्योंकि आप लोग मेरे परिवार हो, और हर वीडियो में हर जगह आप लोग को याद करती हूँ बहुत ज़्यादा, तो आप लोग सपोर्ट जरूर कीजिएगा मेरे को, और मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आप सभी बहुत 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 थैंक यू मेरे दिल से, मेरे मन से। तो यहाँ पे खाना खाने के बाद देखो पूरा बर्तन जितना भी था पूरा मैं धोने लग गई हूँ, शाम हो चुकी है और बहुत बहुत बर्तन हो गया, तो बस इसमें ना नहीं हो रही थी, थोड़ी थोड़ी करके मैं धोई हूँ पूरी बर्तन। और मैं नाइटी पहन ली हूँ, क्योंकि साड़ी पहन के मेरे काम करने में बहुत दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा। आप लोग रिक्वेस्ट करते हो दीदी आप साड़ी पहन के वीडियो शूट करो, साड़ी में अच्छे लगते हो, तो बस रिक्वेस्ट में मैं साड़ी ज़्यादा पहनती हूँ, और जब वीडियो शूट करती हूँ तभी ज़्यादा पहनती हूँ, नहीं तो बहुत कम पहनती हूँ, और पसंद भी बहुत कम ही करती हूँ काम के टाइम, खास करके काम के टाइम में बहुत कम पसंद करती हूँ, कि काम करने में बहुत दिक्कत होती है मेरे को। इन लोग का कुछ त्यौहार है, बस उसी वजह से बच्चे लोग आए। और तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरे को बहुत बहुत सारा सपोर्ट कीजिएगा, और क्या बताएं मेरे दिल से मेरे मन से आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। चीज़ मैं बताने वाली हूँ, मेरे YouTube पैसा आ चुके हैं, मैं आप लोग के साथ शेयर नहीं की हूँ एक बार भी, तो करने वाली हूँ, तो वीडियो में मैं दिखाऊंगी नेक्स्ट वाला, तो वीडियो